हे व्हाट्सअप गाइस, एक और नई वीडियो में सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज हम फिर से खेलने वाले हैं। मतलब फिर से क्या खेलने वाले हैं, आज हम नया गेम खेलने वाले हैं। और गाइस, ये गेम है रेंज सिमुलेटर। तो गाइस, आपने इसका नाम सुना होगा, बड़ा ही खतरनाक गेम है। तो गाइस, आज हम इसके सारे मिशन कम्प्लीट करेंगे और इस वर्ल्ड को फ्री करेंगे। और गाइस, ये एक नोट था जो मैंने पढ़ा, मुझे पता चला इसमें क्या कुछ है। तो गाइस, ये आप भी पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो तो। और इस गेम की खासियत ये है गाइस कि आप यहाँ पर कुछ भी बिल्ड कर सकते हो, कहीं भी कुछ भी बना सकते हो। और यहाँ पर शॉप वगैरह होती है, हम सब जगह जाएंगे। और गाइस, अभी फ़िलहाल हम कुछ कर रहे थे कि हमें इन लोकेशन पर जाना है और यहाँ पर एक रेडियो मिलेगा, हमें उसको ऑन करना है। तो चलो गाइस, जल्दी से चलते हैं और वहाँ पर रेडियो मिलेगा तो हमें उसको बंद कर देना है। तो बंद करना है या ऑन करना है तो देखते हैं, हम ऑन ऑफ कर सकते हैं लेकिन मुझे इतना पता है। तो गाइस, चलो अंदर की साइड चलते हैं। और गाइस, यहाँ पर आसपास ही है वो रेडियो। तो गाइस, जिसके पीछे की तरफ है वो रेडियो। तो गाइस, हमें यहाँ से जाना होगा ई प्रेस कर। और गाइस, यहाँ से दरवाज़ा ही बंद है। तो गाइस, इसको हम साइड से चलते हैं यहाँ से। और गाइस, बड़ा मस्त गेम है, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और कोई गेम सजेशन हो तो बता देना, मैं उसको भी ट्राई ज़रूर करूँगा। और गाइस, यहाँ पर ये रेडियो है, चलो इसको ऑन कर देते हैं। तो गाइस, रेडियो मैंने ऑन कर दिया है। तो गाइस, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें जाना है टेंट की ओर। तो चलो जल्दी से टेंट की ओर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ है। और टेंट में पता नहीं क्या होगा, मुझे पता नहीं है। तो गाइज, यहाँ पर हम गेम को सेव कर सकते हैं और स्लीप कर सकते हैं। तो गाइज, बस यही कर सकते हैं, मोर तो कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। और चलो गाइज, यहाँ पर हम सो सकते हैं, मैंने चेक किया अभी अभी, आपने देखा। तो गाइज, अब चलते हैं हम अगली तरफ, वहाँ पर जाना है हमें। और वहाँ पर चल कर हमें वहाँ पर थोड़ी बहुत जगह बनानी और ऊपर की तरफ जाना है हमें। तो चलो चलते हैं। और गाइज, साइड में ऑप्शन आ रहा है, ये खुल नहीं रहा था मुझसे। तो चलो गाइस, यहाँ से ही चलते हैं। तो मुझे रास्ता मिल नहीं रहा था, तो गाइस यहाँ से कूद कर ही इस घर के अंदर चलते हैं, और कोई रास्ता मुझे लग नहीं रहा। तो गाइस, इसके अंदर और फिर ऊपर की तरफ पैड़ियाँ जा रही होगी, हाँ ये रही पैड़ियाँ। तो गाइस, यहाँ पर मैं जब आया, जब मुझे यहाँ पर ये पड़ा मिला, तो इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर कूड़ा कचरा, बहुत सारी चीज़ें हैं डिलीट करने के लिए। तो चलो गाइज, वहाँ पर चलते हैं और नीचे झुककर जाना होगा हमें, और देखते हैं इसके अंदर क्या मिलेगा, इस बक्से के अंदर। और गाइज, यहाँ पर हम लास्ट में एक कूप फार्मर बेस बनाएंगे जो बड़ा ही मस्त है। और गाइज, यहाँ पर एक गन मिल चुकी है फाइनली। तो गाइज, गन और यहाँ पर एक नोट है कि इसके अंदर फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे जब हम इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जब जाएंगे, जब हम ले चलेंगे इनको। और अभी फ़िलहाल नीचे की ओर चलते हैं। और गाइज, यहाँ पर कुछ और ख़ास है नहीं। तो गाइज, अब हमें एक कार बनानी है। तो चलो गाइज, जल्दी से फटाफट कार बनाते हैं। तो गाइज, कार बनाने में बड़ा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर इसके टायर वगैरह पड़े हैं, तो इनको टायर वगैरह को हमें जोड़ना होगा। एक टायर यहाँ पर भी पड़ा है। तो चलो गाइज, जल्दी से इसके अंदर चलते हैं और अपनी कार में लगाते हैं ये टायर जल्दी जल्दी। तो गाइज, एक टायर ये रहा। तो गाइज, मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ ताकि बोरिंग सा ना लगे। तो गाइज, एक यहाँ पर और एक साइड वाले टायर में लगाना है। और यहाँ पर ये सीट लगा दी है दोनों तरफ, और एक टायर की कमी हो रहा है। और ये फ्यूल टैंक है, तो इसको भी मैं लगा देता हूँ। तो गाइज, फ्यूल टैंक भी लग चुका है, तो लगने वाला है, तो ये लग गया फ्यूल टैंक भी। तो गाइज, एक टायर की कमी रह गई है, एक टायर ये साइड में, ये एक टायर, इसको भी लगा देते हैं। तो ये रहा टायर और इंस्टॉल। तो गाइज, अब चलते हैं ई से, ये हम इसमें बैठ सकते हैं, तो इसमें बैठकर हम जा सकते हैं। और गाइज, एफ से इसका इंजन स्टार्ट होता है। और इसमें गाइज, हमें तेल भी डालना होगा। तो गाइज, तेल इसमें है नहीं, शायद थोड़ा ही है तेल। तो गाइज, अब हम चलेंगे पेट्रोल पंप की ओर, और वहाँ पर हम तेल डाल सकते हैं, तेल डलवा सकते हैं। और तो गाइज, जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। अब इसमें हमने अपनी जो बैग थी, यहाँ पर
डिग्गी कहते हैं जिसे हम, तो मैंने इसमें टेक लिया है, डिग्गी कहते हैं शायद इसे, ट्रॉली कहते हैं इसे, ट्रॉली। तो गाइज यहाँ पर हमने टेक लिया और अब हमें जाना है गैस स्टेशन पर, तो गैस स्टेशन को मार्क कर लेते हैं और चलते हैं जल्दी से। गैस स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है तो जल्दी जल्दी चलते हैं, और हमने स्टार्ट कर लिया कार अपनी और चलते हैं। और गाइज मुझे चलानी नहीं आती थोड़ी सी, मैं थोड़ा हैवी ड्राइवर सा हूँ इसमें। तो गाइज फाइनली हम पहुँच चुके हैं, और गाइज हमें अब इसको तारना होगा नीचे और इसको इसके साथ कनेक्ट करना है। तो गाइज कनेक्ट हो चुकी है, और गाइज अब हमें इसको स्टार्ट करना होगा। और गाइज मेरे पैसे कटने लग रहे हैं, और पैसे मेरे पास है भी नहीं वैसे। तो गाइज इसमें हम यहाँ से डाल सकते हैं तेल को, तो गाइज हम सीधे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं अगर इस पेट्रोल पंप की वायर को हम इसमें डालें तो, लेकिन वो मैंने करा नहीं पता नहीं क्यों। तो गाइज जब हमें अपनी बेस की ओर जाना है, तो बेस की ओर का रास्ता यही है, मैंने मार्क कर लिया था। और गाइज मुझे थोड़ी सी ये कार टेढ़ी मेढ़ी लगती है, मतलब कंट्रोल होती नहीं अच्छे से, इसके कंट्रोल देखेंगे क्या करना है। तो घर जाने से पहले हमें यहाँ पर एक बार इसके पास से, इस शॉप पर से हमें कार की थोड़ी मॉडिफिकेशन करवानी होगी। तो गेम को यहाँ पर सेव कर लेते हैं एक बार, तो गेम सेव हो चुकी है और इसके अंदर चलते हैं। और हमें ये थोड़े बहुत बिल्डिंग प्लान दे सकती है, तो चलो इससे बात करते हैं और ये क्या कहती है देखते हैं। तो मैंने इससे बात की, और गाइज ये एक ओनर है, तो ये मुझसे पूछ रही है कि आप यहाँ आसपास के ओनर हो रेंच के, तो मैंने कहा यस। तो गाइज ये मुझे अब एक प्लान दे देगी, तो कंटिन्यू करते हैं और थैंक यू करते हैं। और इसने मुझे बिल्डिंग सिस्टम प्लान दे दिया है, तो गाइज इससे हम अपना घर बना सकते हैं और कुछ भी बना सकते हैं। और गाइज इससे बात करनी होगी हमें, और गाइज ये शॉप असिस्टेंस है, तो इससे हमें कार खरीद सकते हैं। और जो ये कार दिखाता है ये इसके कंप्यूटर में दिखती है जो कार हमें खरीदनी हो, तो इसको गुड बाय कहते हैं और यहाँ से चलते हैं। और गाइज इसकी कार देख लेते हैं क्या क्या कार इसके पास। एक UTV है और ATV, और ये कुछ वैन SUV टाइप है, तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमें इसके अंदर रेडियो लगवाना है, तो ओनली रेडियो लगवाते हैं और यहाँ अपने बेस की ओर चलते हैं। तो गाइज मैंने रेडियो लगवा लिया है, और गाइज रेडियो को चेक भी करेंगे। तो गाइज अब चलते हैं दूसरी ओर, अपने बेस की ओर जहाँ पर हमारा घर है। तो गाइज बेस की ओर हम पहुँच चुके हैं, और गाइज अब रात हो चुकी है तो सोना पड़ेगा हमें, तो चलो अब सोने चलते हैं। हमारे पास स्लीपिंग बैग है यहाँ पर, जहाँ पर हम सो सकते हैं। और गाइज यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, तो गाइज इसको हम गैराज में खड़ा करते हैं। तो गाइज अब जल्दी से सो जाते हैं, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो अब दिन भी हो चुका है। तो चलो गाइज अब हमें दो तीन चीज़ें करनी है, हमें एक सेलर के पास जाना है और उससे बात करनी है, तो हम उसके पास से मुर्गी वगैरह ले आएंगे। और ये गाइज रात को बंद थी, तो मैं अब दिन में वापसी आया हूँ यहाँ पर। और गाइज चलो अंदर चलते हैं जल्दी से, और गाइज इसके पास हमें शायद मुर्गियाँ वगैरह मिल जाए और कुछ और सामान मिल जाएगा हमें इससे। तो गाइज देखो इससे हमें मुर्गी ख़रीदनी है, मैंने सेलर से बात कर ली है, और कुछ खास है नहीं, तो हमें और कुछ चाहिए भी नहीं, बस ये दो चीज़ें चाहिए। तो हम इनको लेकर और चलते हैं अपने घर की ओर। तो गाइज ये रही हमारी टोकरी, तो इसको धरते हैं जल्दी से, और ये हमारी मुर्गी, तो मैंने गाइज इसको धर दिया है यहाँ पर, और अब हमारी टोकरी को धर देते हैं यहाँ पर, तो टोकरी भी धर दी है। तो गाइज अब हमें जाना अपनी बेस की ओर, और गाइज अब हमारा मेन मिशन रहेगा इन मुर्गियों के लिए बेस बनाना एक, और फिर हम इस वीडियो पे एंड करेंगे। और ओके गाइज, तो गाइज अब चलते हैं अंदर की ओर, इन मुर्गियों को अब नीचे उतार देते हैं, और कुछ है यहाँ पर। और गाइज इन मुर्गियों को ही तारना अब हमें, तो इनको तार देते हैं जल्दी से। तो मैंने इन सारी मुर्गियों को तार दिया है, और गाइज यहाँ पर इनका पानी के लिए सिस्टम कर देते हैं, और यहाँ पर ये टिक्की, और यहाँ पर हमें टेकनी है ये वाटर बकेट, तो मैंने ये टेक दिया, अब ये पानी वगैरह पी सकते हैं। और गाइज मेरा गला थोड़ा बैठ चुका है आज, पता नहीं क्या हुआ, आपको फील हो रहा होगा थोड़ा बहुत। तो गाइज अब हमें लकड़ियाँ काटनी है, हमें उनके लिए वो बनाना है ना, क्या कहते हैं, कूप फार्म,
तो इन लकड़ियों को काटते हैं जल्दी, इसमें फ्यूल भरते हैं और लकड़ियाँ कट जाएगी इससे। तो गाइस ये अभी छोटी वाली सा मशीन है, तो इससे जल्दी लकड़ी कटती नहीं है, लेकिन हाँ काम चल जाता है इससे भी। और गाइस ये कट चुकी है और इससे हमें दो प्लैंक मिले हैं। और गाइस जल्दी जल्दी से हम अब लकड़ियाँ जमा करते हैं और फिर हम उनसे अपना कूप फार्म बना सकेंगे। और गाइस यहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ हो चुकी है, तो इनको यहाँ पर जचाते हैं। और गाइस इनको ठाकर अब हमें वहाँ पर भी जाना होगा। और गाइस ये यहाँ पर वुड है, तो इनको भी ले लेते हैं जल्दी से। और गाइस मैंने सारी लकड़ियाँ उठाकर इनको कट किया है यहाँ पर लाकर, और फिर हम इससे अपना कूप फार्म बना सकेंगे। तो गाइस ये रहा स्मॉल कूप, तो गाइस इसको वहाँ पर ही धर देते हैं अपने बेस के बाहर, तो यहाँ पर रखते हैं। तो गाइस ये रख दिया है और इसके अंदर 15 प्लैंक लगेंगी। और चलो उन प्लैंक को लाते हैं, उन वुड प्लैंक को, और इनको कंप्लीट करते हैं जल्दी से। तो लकड़ियाँ कम पड़ रही थी तो मैंने सोचा पेड़ तोड़ लेते हैं, और गाइस ये प्लैंक रहे और इनको लेकर चलते हैं और अपना कूप फार्म कंप्लीट करते हैं। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, क्योंकि हमने कूप फार्म भी रेडी कर लिया है, और वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस अगली वाली वीडियो में हम बेस तोड़ेंगे, वो हमारे घर के पास है जहाँ पर हम रेडियो ऑन करा था, तो उस बेस को कंप्लीट डिस्ट्रॉय करेंगे और वहाँ पर कुछ देखते हैं क्या बना सकते हैं। और गाइस आप बताना GTA 5 की मैं वीडियो बनाऊँ या ना, क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा ही भी कम खेलना आता है और मैंने डाउनलोड भी नहीं किया है। तो ओके गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और लास्ट डे रूल की वीडियो भी मैं अब डाल दिया करूँगा बीच बीच में। ओके गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।